इतला किया जाता है, इतला इतला किया जाता है कि सीधे बैठे, हाथ खाली, हाथ खाली, तुम पीछे हाथ नीचे, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, लुकिंग सो स्वीट, isn't it? Yep, लवली, पूरे दांत दिख गए इसके तो, एक भी नहीं छोड़ा। चलो सुनिए, अभी आज हम क्या कर रहे हैं, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बचे हुए क्वेश्चन है वो देख लेंगे। जाने के पहले कुछ चीज़ें पूछ लूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या आपको ये पता है क्या कि सस्पेंस अकाउंट कब यूज़ होता है? कब? जब बात व्हेन डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तब सस्पेंस अकाउंट आता है। और क्या अभी आपको ये पता चलता है कि जब डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड ऐसे शब्द आते हैं तब एरर दोनों तरफ होता है? एक तरफ होता है एरर, ओके, तो एरर एक तरफ ही होता है। और अगर जब वर्ड आता है रिकॉर्डेड, एंटर्ड, तो दोनों तरफ। और जब डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड बोलते हैं तो जिस चीज के बारे में नहीं बोला गया वो चीज सही गई है, एग्रीड। और उसके इसमें शॉर्टकट मारोगे, बोलो हाँ नहीं, तो क्या करोगे उसमें? करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। और उसका मैंने ट्रिक बताया था, हालांकि कल हमने डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री मारी, बट हमने विजुअलाइज तो किया ना, करेक्ट एंट्री क्या, रॉन्ग एंट्री क्या, फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या। वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी गुड। अच्छा एक बात तो बताओ, बताओ तो सरी, सरी बताओ, क्या आपको कास्टिंग एरर का रेक्टिफिकेशन आता है? पूछ लो एक बार। सेल्स बुक अंडर कास्ट, सस्पेंस टू सेल्स, सेल्स बुक ओवर कास्ट, जेब बात है, थोड़ा सा गूगली डालू क्या? रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट, लवली, सस्पेंस टू कैश, क्योंकि आर इज ओवर कास्ट, बागे बोलो, आर इज ओवर कास्ट, बैलेंस इज ओवर कास्ट, बिकॉज बैलेंस इज ओवर कास्ट यू हैव टू रिवर्स इट, द एंट्री इज व्हाट? सस्पेंस टू कैश। ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट पर क्या इंपैक्ट जाता है अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या आया? ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट का कोई भी आइटम हाँ या नहीं? डेबिट हुआ तो प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा? कोई भी, हाँ। और क्रेडिट हुआ तो बढ़ेगा? और ये रेक्टिफिकेशन के बाद आया, बिफोर रेक्टिफिकेशन? उल्टा। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट हुआ, रेक्टिफिकेशन में क्रेडिट हुआ, तो मतलब बिफोर रेक्टिफिकेशन डेबिट हुआ, एग्रीड? यस। और कोई क्वेरी? चले भी आ गया, यस मेरे वीर बहादुर बच्चे, चला जा और ओपन कर। कौन सा, क्या बोल रही बुढ़िया, कितने होमवर्क थे? सारे बाकी के बच्चे तुमको ही दे दिए थे। ए बाबा, इधर भी कुछ बोला था ना मैंने करने के लिए, और मैंने कल तो ऐसा धमाकेदार बात बोलकर भेजी थी तुमको। सुनो तो सर, ये कि जो किए हो ना पांडे जी, उसमें चेंज होने वाला है कुछ। वाओ, दैट्स लवली। तो चेक करेंगे क्या चेंज होने वाला है। कौन सा क्वेश्चन था बेटा? ट्वेल्थ, ट्वेल्थ हमने सारा कर दिया था ना। नहीं, ट्वेल्थ में चेंजेस से बोला था ना। वेरी गुड, तो एक बार चेक कर ले। ठीक है, कौन आवाज कर रहा है इतना? ऐसे करेगा कौन शादी करेगा तेरे साथ? यही तो क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन आर्ट तुम्हारे मॉड्यूल से। तुमने पहली बुक की एंट्री क्या लिखी थी? अरे आवाज नहीं आ रही, अम्मा अम्मा अब एंट्री बताओ, एंट्री बताओ गुड़िया, क्या लिखी गुड़िया? स्कूटर टू क्या? कन्वेंस। और कन्वेंस की जगह पे शब्द क्या यूज किया था? बराबर है, पे एंडल एडजस्टमेंट, अला बराबर आ गया ये। बट ये इधर 2700 क्यों आया? क्योंकि उसके बाद में डेप्रिसिएशन भी की थी, डेप्रिसिएशन की एंट्री तुमने लास्ट की है, जाके चेक कर लो, जाके चेक करो, क्योंकि डेप्रिसिएशन के बारे में लास्ट में बोला था। अरे गाय छाप देख ले जाके, क्या एंट्री की थी डेप्रिसिएशन की? चुप ना, लाइक डेप्रिसिएशन टू क्या असेट, ये एंट्री की थी या पी एंड एल एडजस्टमेंट टू स्कूटर की थी? अच्छा क्या लफड़ा क्या, दिखा बेटा गुड़िया क्या एंट्री लिखी इसने, तो लिखी नहीं, नलायक आ गई ऐसे, एंट्री नहीं की थी। कौन से? डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिसिएशन की एक एंट्री लिख दो, लास्ट में लिखा था ना भाई। अरे मेरी माँ ये लिखा था ना, मिस्टर रॉय यूज्ड 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। गुड़िया तू गलत बोल रही है, फिर मैं और झापूंगा, फिर तू बोलती है कि सर आप मुझे झापते हो, तू गलत बोल रही है। हाँ तू फॉर्म में मत आ, थोड़ी सी पेशेंस रख, पेशेंस इज वर्चू, तू पेशेंट बन रही है, समझ में आ रही बात? धन में पेशेंस रख, पेशेंस इंग्लिश।
डेप्रिसिएशन की एंट्री बता तो एक बार पूरी क्लास को, क्या बोल रही है तू? दो मिनट ये बताएगी। हाँ नहीं, जो तुझे लगता है वो बोल। हाँ हाँ फिर ठीक है, मेरे को कैश सुनाई दिया था, ठीक है सही बोल रही है छोरे, क्यों ना लाइक बार बार बोलते रहता ऐसे। हाँ तो एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन टू असेट। अब मेरी बात सुनो, ये जो लास्ट लाइन है शायद मेरे से कल पढ़ना रह गया होगा। रॉय भाई साहब क्या करते, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते रहे? 10%। पहली एंट्री में क्या किया था? स्कूटर को डेबिट किया था क्या? मतलब स्कूटर को परचेस दिखाया आपने, स्कूटर कितने की दिखा दिए? 3000। 3000 का 10% कितना हो गया? 300। एंट्री बोलो डेप्रिसिएशन टू स्कूटर। क्या एंट्री आएगी? डेप्रिसिएशन टू स्कूटर। अब डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट। डू यू एग्री? तो कर लो एक एंट्री, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। लास्ट में करना है गुड़िया, गुड़िया लास्ट में करना है, किसी को बताना मत लास्ट में। हाँ बता देगी तो फिर तकलीफ हो जाएगी, कर लास्ट में। हाँ क्या एंट्री लिखोगे? P&L एडजस्टमेंट टू स्कूटर अकाउंट। P&L एडजस्टमेंट टू स्कूटर कितना अमाउंट लिखेंगे? 300। डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस लवली पीपल, नाउ वी गो अहेड। अच्छा पहली एंट्री तो मैच हो गई क्या मॉड्यूल में? दूसरी क्या? परचेस अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाई 10,000। तुमने एंट्री क्या मारी थी? कुछ समझ में नहीं आता क्या? सस्पेंस टू परचेसेस। ओके परचेसेस की जगह पे हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या आप देख पा रहे हो क्या? सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अरे दिख रहा है क्या रे नलायक? तो बेटा जी जहां जहां पर आपने कोई ट्रेडिंग P&L अकाउंट का आइटम बोला था वहां पर वो शब्द ना लिखते हुए हम क्या लिख देते? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या हमने वो लिखा था क्या? P&L एडजस्टमेंट क्या लिखा था? सस्पेंस टू परचेस लिखा था। मैंने बोला आज क्या हो जाएगा? चेंज। तो आज चेंज होकर क्या हो जाएगा? P&L एडजस्टमेंट। तो बेटा जब नेक्स्ट ईयर में एरर रेक्टिफाई होता है, कौन से ईयर में? नेक्स्ट ईयर में। तो जो जो आइटम ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में जाते हैं उसको हम नाम क्या दे देते हैं? P&L एडजस्टमेंट। मैंने आई थिंक इसका लॉजिक कल एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि बेटा पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट को इस साल में अफेक्ट करेंगे तो करंट ईयर का एक्सपेंस इन्फ्लेट हो जाएगा या इनकम कम हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल, पिछले साल की डिप्रिसिएशन थी, इस साल हिट कराऊंगा तो मेरे P&L अकाउंट में क्या दिखेगा कि इस साल की डिप्रिसिएशन ज्यादा है, बट जबकि इस साल की ज्यादा नहीं है, कुछ डिप्रिसिएशन पिछले साल की आई है। सही है? जैसे मान लो पिछले 2 साल की सैलरी इस साल में मैंने डाल दी तो दिखेगा क्या कि सैलरी करंट ईयर में बढ़ गई है, बट ऐसा नहीं है, पिछले साल की सैलरी ज्यादा थी। सही है और नो? तो कंपेरेबिलिटी के लिए हम सैलरी शब्द यूज नहीं कर सकते, हम रेवेन्यू मतलब एक्सपेंस शब्द यूज नहीं कर सकते, हम क्या यूज करते हैं? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। यस और नो? इज इट योर बर्थडे टुडे? इट्स ओके, लेट्स गो। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कौन सा? अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर 20,000 एंटर्ड एज सेल। इसकी रेक्टिफिकेशन क्या मारी थी? सेल परचेस टू पी मारी थी क्या नहीं मारी थी? गांव वालों सोच समझ के जवाब देना, मेरी जिंदगी का सवाल है। क्या लिखूंगा अभी? P&L एडजस्टमेंट टू। बस तुमने हुक्म किया मैंने दिखा दिया, ये देखो कितने होशियार हो गए हो तुम। हाँ सही जवाब। अगली एंट्री बता। मिस्टर बी टू मिस्टर ए। मिस्टर बी या मिस्टर ए कोई P&L में जाता है क्या? तो बेटा जी एंट्री क्या हो गई? मिस्टर बी टू ए। तो जहां जहां पे ट्रेडिंग या P&L अकाउंट का आइटम आया और वो अगले साल रेक्टिफाई हुआ तो क्या नाम लिखेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अगली एंट्री बता गुड़िया। सस्पेंस टू सी, वो तो दिख रहा है सस्पेंस टू सी। नलायक कान पकड़, दो बार उठे बैठे कर और फिर बैठ। नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री क्या है? बैग रख। क्या सस्पेंस टू क्यू? हाँ तो सस्पेंस टू क्यू आया एंट्री। तुमने सस्पेंस टू क्यू लिखा, क्या प्रॉब्लम हो गई? ₹500, दो मिनट रुक मैं कर रहा हूं। ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस। हम तो रॉय की बुक में, नहीं बेटा ये अपनी एंट्री बराबर है। ड्यू बाय मिस्टर क्यू, ड्यू टू नहीं है तो इट्स नॉट पेएबल, इट इज व्हाट? रिसीवेबल। हाँ नहीं तो इसकी एंट्री क्या? अपन ने क्या किया? अपन ने सस्पेंस टू क्यू किया। ओ सॉरी 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 सॉरी। ₹500 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू हुआ एंड ड्यू टू क्यू। ये देखो ड्यू टू क्यू मतलब क्या हुआ?
पेबल ना, ड्यू टू क्यू इज व्हाट, पेबल, एंड ड्यू फ्रॉम क्यू इज रिसीवेबल. बट ये होपलेस है, उन्होंने वर्ड अलग यूज किया है. ड्यू बाय क्यू, राइट, उसको बाय को चेंज करो बेटा, नहीं तो एक काम करो जो अपन ने एंट्री की वही है, क्वेश्चन में चेंज कर दो, क्वेश्चन में चेंज करो. अपन होशियार है रे, अपन बहुत होशियार है. रुपीज 500 ड्यू टू, बाय को निकालो, बाय को निकालो, बाय बोलो गेट लॉस्ट, बाय की जगह पे क्या लिखेंगे, टू कड़तेगा. अब ड्यू के बाद में तो पेबल हो गया ना, अभी ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या, आवाज नहीं आ रही यार, सस्पेंस टू क्यू. अब तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते. सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 2000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, एंट्री क्या की गुड़िया, मिस्टर आर टू सेल्स. नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाई करेंगे तो क्या बोलेंगे, मिस्टर आर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट. ओके, अमाउंट ऑफ रुपीज 2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593, एंट्री क्या की, सस्पेंस टू परचेज. सस्पेंस टू परचेज को रेक्टिफाई करके क्या लिखेंगे, सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट. चेक कर लो, ये सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट ना, अरे बोलना, और कुछ हुआ क्या, सारी एंट्रीज आ गई ना, 198 एंड 2000. यप सर, बाकी की 9th और 10th एंट्री का क्या करना है, इसका अभी कोई चिंता मत करो, आई विल एक्सप्लेन यू एज एंड व्हेन वी गो अहेड. इज दैट ओके, ओके लवली रसगुल्ला. हम कौन से क्वेश्चन तक आ गए, कल मैंने कौन से बोले थे आपको यहां पर करने के लिए, पहले मैंने बोला 12 कर लेना, फिर 10 और फिर 11. अच्छा तुम सभी लोगों को गिनती आती है क्या, ठीक है उल्टा बशा करेगा, एक बार गिनती कर लो. हाँ भाई, नहीं नहीं मैंने देखा नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मेरे को बोल के क्या, मैंने बोला रुक, नहीं नहीं करो भाई, बाहर आ जाओ भाई, उधर बेंच के वहां पे करेगा, कहीं लग जाएगी, तकलीफ हो जाएगी, बीच में आकर कर. हाँ चल, हाँ मैं किसी को नहीं पूछता, मैंने नहीं देखा, बात खत्म. चल भाई जल्दी से कान पकड़ो. हाँ, वन कल से आएगा लेट. चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 के पास जाना बेटा. 12th हमने चेक कर लिया था, 10 तुमने सॉल्व किया था बट चेक करना रह गया था. अच्छा तो 10 देख लेते हैं. चलो पहले की एंट्री क्या बताई 10th की, ये आवाज नहीं आ रही यार, करेक्ट एंट्री बताओ, कैश टू फर्नीचर, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, कैश टू सेल, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी, सेल टू, डू यू ऑल अप्रिशिएट, चेक करिंग. इसका नाम क्या है भाई, जैन ब्रदर्स ना, ये जैन ब्रदर्स. पहली एंट्री क्या बताई तुमने, सेल्स टू फर्नीचर, खुश हो, यस. रिसीट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर, पहले करेक्ट एंट्री बोलो, पूरी क्लास अगर नहीं बोली तो याद रख लेना, मैं पकड़ पकड़ी बोल, कैश टू राम मोहन, रॉन्ग एंट्री, कैश टू श्याम सुंदर, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, श्याम सुंदर टू राम मोहन, ये देख लो एंट्री, श्याम सुंदर टू राम मोहन, हैप्पी हैप्पी. अगली देखिए, गुड्स वर्थ रुपीज 100 ब्रॉट फ्रॉम मोहन नरेन हैव रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड सो फार, व्हाट इज द कीवर्ड, अनरिकॉर्डेड, एग्रीड, तो ये क्या, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू करेक्ट एंट्री. हाँ नहीं बताओ, अभी करेक्ट एंट्री क्या होती है, परचेज टू मोहन नरेन, ये परचेज टू मोहन नरेन अलाइक. उसके बाद में फोर्थ, अ रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, रिटर्न ऑफ रुपीज 120 फ्रॉम मुकेश, मतलब ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न टू मुकेश, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, सेल्स रिटर्न मुकेश टू नो क्रेडिट, अरे कड़ता है, क्या है ये लिखनी पड़ेगी, ये लिखनी पड़ेगी, क्या लिखा, सेल्स, सेल्स रिटर्न टू मुकेश, कितना अमाउंट बेटा, अमाउंट बता, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, सेल्स रिटर्न मुकेश टू नो क्रेडिट, बराबर है. अच्छा सेल्स रिटर्न कितना आएगा, 120, मुकेश कितना आएगा, 120, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी, टू मुकेश, टू मुकेश, बराबर है ना,
कितना 240 डेबिट किसको मारेंगे सस्पेंस कितना 240 से यस यस बाबू मोशा ये इसको टिक कर दो नहीं ये फोर्थ अच्छा अ रिटर्न ऑफ 92 श्याम सुंदर पोस्टेड एज रुपीज 9 इन हिज अकाउंट करेक्ट एंट्री क्या इसकी एक्सक्यूज मी श्याम सुंदर अमाउंट कितना है 90 रॉन्ग एंट्री क्या होगी श्याम सुंदर कितना 9 क्या डेबिट हुआ कि क्रेडिट है सिर्फ पोस्टेड वर्ड है तो बेटा हम अज्यूम करेंगे कि सही गया कितना आएगा 9 टू परचेज रिटर्न आर यू श्योर अबाउट दिस व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री श्याम सुंदर टू सस्पेंस अमाउंट बताओ बेटा 81 यस और नो मैम एंट्री मैच हुई क्या वेरी गुड ठीक है अगला कौन सा उत्तरी आवाज नहीं करने का आवाज करोगे क्या अगला कौन सा है भाई 6 अ रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेसिडेंस ₹600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट ड्रॉइंग्स टू कैश रॉन्ग एंट्री क्या होगी रेंट टू कैश रेक्टिफिकेशन एंट्री ड्रॉइंग्स टू रेंट जोरदार बोले भाई छोरे वो 3 ड्रॉइंग्स टू रेंट दिख गया क्या 6 हाँ नहीं ए बाबू मोशा अगला चल अब पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सिद्दीक पोस्टेड टू इज क्रेडिट एज ₹125 मुझे मोहम्मद सिद्दीक टू कैश और एंट्री क्या लिख दी मोहम्मद सिद्दीक टू कैश राइट अच्छा सुनो ये बताओ पेमेंट है ना मोहम्मद सिद्दीक टू कैश कितना बेटा 215 गलती क्या हो गई टू कैश तो बराबर गया है और बेटा टू मोहम्मद सिद्दीक कितना गया है 125 एंड नो डेबिट ए नलायको दोनों खड़े रहो ए छोरी दोनों खड़े रहो बाहर आ जाओ हाँ तू भी आ बाहर अब मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ इसकी हाँ 2 मिनट खड़े रहो रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ मोहम्मद सिद्दीक कितना लिखूं आवाज नहीं आ रही यार 340 वाई जब डेबिट क्रेडिट बन जाता है या क्रेडिट डेबिट बन जाता है इफेक्ट इज एडेड तो कितना हो जाएगा 342 सस्पेंस 340 हैप्पीज यस लेट क्यों आए यस अच्छा दोनों इधर लाइन में आ जाओ उधर लाइन में आ जाओ इधर ये लाइन में नहीं तुम्हारे पहले भी एक बंदे ने किया है तो तुम टेंशन मत लो मतलब तुम्हारा नहीं हो रहा है वो बेचारे ने तो अकेले किया फर्स्ट टाइम तुमको इतनी मुश्किल नहीं होगी आ जाओ इधर नहीं बुक्स उधर ही रखना बेटा बस इस रो में आ जाओ कान पकड़ो और 2 बार उठे बैठे करने का उधर साइड में नहीं सीधा हाँ ऐसा हाँ सीधा हाँ 2 बार उठे बैठे कर लो बेटा काउंट 1 2 हाँ अभी तुम चालू करो मैडम नहीं उधर आने की जरूरत नहीं आगी उधर से करो हाँ कोई दिक्कत नहीं हाँ 1 2 एक से एक कमीने बच्चे हैं 0 1 2 वेरी गुड चलो आ जाओ ये बेटा ये समझा आपको ओके कैन आई गो अहेड अभी आगे देखते हैं एक कौन सा क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट क्या बोलते हो सेल्स बुक एडेड ₹900 शॉर्ट है कितना कमी ना है ना कैसी इंग्लिश लिखता है मतलब ये मुझे बताओ अंडरकास्टिंग है कि ओवरकास्टिंग है उन्होंने बोला कि जो एडिशन हुई वो 900 शॉर्ट थी क्या एंट्री आएगी सही जवाब सस्पेंस टू सेल्स अगला द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक ऑफ ₹1,500 लेफ्ट अनपोस्टेड ये टोटल पोस्टिंग हुई नहीं बिल्स रिसीवेबल को कौन सा बैलेंस डेबिट बैलेंस एंट्री क्या होगी बिल्स रिसीवेबल टू सस्पेंस अरे करता है गाय ओ दैट्स इट हो गया सारा अब आज एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं सुनते हो ना गुंडप्पा हाँ बोलो क्या वो लॉजिक नहीं सुनो
इसका एक छुरी का लॉजिक है तो खत्म कर दे। ये बिल्स रिसीवेबल बुक, ये इधर राम लिखा 900। बेटा पोस्टिंग तो सिखा दी थी ना यार, राम अकाउंट सेल्स बुक की सिखाई ऑफकोर्स, तो पोस्टिंग सब्सिडरी बुक की कैसे होती है? इधर राम लिखा तो पहले राम को पोस्टिंग हो जाती है, एंट्री क्या बीआर टू राम, तो राम के क्रेडिट में 900। फिर इधर लिखा अब्दुल 600, तो अब्दुल के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। ये तो तुरंत उसी समय हो जाती ना। उन्होंने बोला कि जो उसकी टोटल है वो पोस्टिंग नहीं हुई। टोटल कहां पे होती है? बिल्स रिसीवेबल के डेबिट साइड में। टू क्या लिखते हम? सन्ड्री पार्टीज। कितना लिखेंगे? 1500। अरे ऐसे तो सिखाया था ना लाइको टोटल की। तो वो बोल रहे कि इसकी पोस्टिंग नहीं हुई है, ये तो गया है ना। तो बेटा जी डेबिट इफेक्ट नहीं गया, तो एंट्री मैंने क्या ट्रिक सिखाई? अंडरकास्टिंग हो गया। मान लो अंडरकास्टिंग जैसे ही है ना, नॉट पोस्टेड, तो बी आर टू सस्पेंस। हाँ ठीक है, गुड गुड। सन्नाटे में क्यों भाई? क्लियर है ना? आगे बात चलूं? यस, पूछ लो एक बात। तू खड़ा हो जा, थोड़ा होशियार लगता है इसलिए पूछ रहा हूँ, और बाकी तेरी इज्जत तेरे हाथ में है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तेरी इज्जत तेरे हाथ में। ठीक है, मुझे बता, एग्जाम में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, इधर लिखा राम सीता लक्ष्मण भरत रोमियो जूलियट, हाँ ठीक है ठीक है, बस चंपा। ठीक है, लिख दिया मैंने 600 300। ए दो मिनट रुक रहे, 900 गधेड़े तेरी बात है, इधर मत बोल। 500 200 1500। ठीक है, हो रहा है टैली? क्या करेगा एग्जाम में? अच्छा तुम सस्पेंस लिखा दो, खाली पुकड़ है ना, बकर बातें मत करो मेरे सामने, जो सच सच है वो बता दो, फालतू की बातें क्यों करते हो? टैली नहीं हुआ तो क्या करोगे? बिल्कुल सही जवाब, किसने बोला था ये? हाँ क्या बोला गुड़िया? चुप नालायक, ये नहीं, ये तो कब से बोल रहे बच्चे और क्या? हाँ किसने बोला ये? हाँ कौन है, हाथ ऊपर करो, कौन है? अरे यही सही जवाब है, कौन है? सर हम क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। हाँ बराबर बोल रहा हूं कि नहीं? अगर कोई अकाउंट टैली नहीं हुआ तो अपन क्या करते? छोड़ के आ जाते। बोला ही नहीं नालायक तू, सस्पेंस लिख के आते, झूठी बातें मत करना लायक, बैठ जा। तो तुम क्या करते? छोड़ के आ जाते ना। वो एग्जामिनर देखेगा, तू जाने तेरा काम जाने, तेरा सर फुटा हुआ था तो जो तेरे को मैं मिला, राइट? तो ऐसा भी होता है कई बार कि सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं किया जाता है, छोड़ के आ गया वो अकाउंटेंट ने बोला नहीं हो रहा टैली छोड़, तो उसने सस्पेंस अकाउंट खोला ही नहीं। अबे सस्पेंस अकाउंट खोला नहीं तो सस्पेंस अकाउंट तुम यूज नहीं कर सकते। एग्जामिनर बोलेगा सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपने किधर एक एंट्री की थी, कौन सी की थी देखो ये, हाँ सस्पेंस टू मुकेश। अरे खजूर समझ में आ रहा है क्या? बट मान लो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया ही नहीं तो सस्पेंस तो यूज कर ही नहीं सकता ना मैं, अननेसेसरी लेजर में एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। कावड़ा मिकाई बोल तो कर देगा, क्या बोल रहा हूं? सस्पेंस अकाउंट ओपन किया ही नहीं तो क्या हो जाएगा? हम सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं कर सकते। तो तुम्हें पता है तुम क्या करोगे? मुकेश के क्रेडिट में जाओगे, चुपचाप जाके लिख दोगे रेक्टिफिकेशन। कितना? 240। हाँ देखते रहो मेरे पास। अबे झंडू सस्पेंस ओपन नहीं करना है, बट सस्पेंस टू मुकेश तो बोला है ना तुमने, अब सस्पेंस खोला नहीं, अब मुकेश को तो 240 क्रेडिट करना है ना। तो करना क्या पता है क्या? मुकेश के क्रेडिट साइड में जाने का और लिख देने का रेक्टिफिकेशन 240। तुम्हें नाम लिखना है तो रेक्टिफिकेशन का नाम लिख दे, किसके वजह से हो रहा है। से यस, तुम देखना चाहते हो ऐसे ही हुआ था कि नहीं हुआ था इस क्वेश्चन में। तुम्हारी मॉड्यूल बोलती है देखो क्रेडिट मुकेश अकाउंट विद 240, उन्होंने एंट्री नहीं की, सस्पेंस टू मुकेश है। उन्होंने हेलो आंखी में घुस रहा है अभी क्रेडिट और करूं, हाँ ये ले ये ले, घर जा अभी। सो क्रेडिट टू मुकेश हाउ मच? 240। डू यू ऑल अप्रिशिएट और नॉट? ऐसा क्यों किया? आपने तो एंट्री की, क्या एंट्री की बताओ? सस्पेंस टू मुकेश। बट बेटा सस्पेंस ओपन किया होगा तो डेबिट करेंगे ना, ओपन किया ही नहीं तो नहीं करेंगे। फिर किसको? मुकेश को क्रेडिट कर देंगे, यस और नो? यस। मुझे एक बात बताएंगे आप, और कहां कहां पे सस्पेंस यूज किया था इस क्वेश्चन में? शिव तेजा,
फिफ्थ एंट्री, एंट्री क्या है? श्याम सुंदर टू सस्पेंस, सस्पेंस ओपन किया ही नहीं, तो इधर आंसर में क्या आएगा? डेबिट श्याम सुंदर विथ हाउ मच? 81. जो जो तुमने बोला मैंने तो दिखा दिया ना बाबू. हाँ अगला पार्ट. हाँ नहीं अगला पार्ट. अगला कौन सा सस्पेंस था? हाँ क्या था वो? मोहम्मद टू सस्पेंस. तो बेटा मोहम्मद को क्या करेंगे? डेबिट. मोहम्मद सद्दीक को डेबिट किया गया 2340 से. हाँ नहीं संतोष? हाँ अगला बताओ. सस्पेंस टू सेल्स. तो बेटा जी देख के बताओ मुझे. क्रेडिट टू सेल्स. हाँ नहीं कितना? 900. और झंडूबाम लास्ट एंट्री बता दे. बिल टू सस्पेंस. बिल्स रिसीवेबल टू सस्पेंस ना. सस्पेंस अकाउंट ओपन किया? किया गया. तो क्या करेंगे? बिल्स रिसीवेबल को डेबिट. चेक कर लो. रेज हैंड जिनको नहीं समझ में. अच्छा क्वेश्चन पूछो क्या? एग्जामिनर ने बोला कि सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपनड और तुमने सस्पेंस अकाउंट की एंट्री करके आ गया. बताओ मार्क्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? भले ही तुम्हें आता होगा बट मार्क्स एक भी नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर नॉट क्लियर विथ योर कॉन्सेप्ट. जब सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा अगर कुछ नहीं बोला है तो आप अज्यूम कर सकते हो कि ओपन किया है. एग्रीड. बट अगर ऐसे क्लियर कट भाषा में बोला विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट तब तो बेटा जी आपको एंट्री ऐसे ही करनी पड़ेगी. आप जरा इसकी हेडिंग देखेंगे. आवाज इनको करो. ये देखो इलस्ट्रेशन 4 तुमको दिख रहा है क्या? ये खजूर. करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट एंड ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट. से यस. अब मुझे बताओ द सेल्स बुक वाज हैज बीन टोटल 100 शॉर्ट. एंट्री बताओ रे. सस्पेंस टू सेल्स. तो जब सस्पेंस ओपन किया तो आपकी एंट्री क्या होगी? सस्पेंस टू सेल्स. देख लो ये कुटे रे. ये नॉट ओपन वाला है. ऐसा कौन करता है? हाँ देखो इज ओपन. सस्पेंस टू सेल है क्या? बट अगर सस्पेंस ओपन नहीं किया तो सेल के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड. ये देखो 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 मैंने हेडिंग क्या लिखी. व्हेन सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन. दिखा क्या? इधर क्या लिखा? सिंस सेल्स बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100 द सेल्स अकाउंट हैज बीन सिमिलरली क्रेडिटेड बाय 100 शॉर्ट द करेक्टिंग एंट्री इज टू क्रेडिट सेल्स अकाउंट बाय 100 बाय रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सेल्स बुक 100. भाड़ में जाइए. क्या इंग्लिश में लिख रहे? अपने को नहीं जाना है. अंग्रेज है अंग्रेज. अपन क्या लिखेंगे? बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ टोटल्स 100. किसके अकाउंट में? सेल्स के अकाउंट में. नहीं तो जाओगे इधर है. चलो थोड़ा सा और पूछ लेते. अहिला गुड्स वर्थ रुपीज 150 रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर. आज समझ में नहीं आते क्या बोलते? सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी. ए इसमें कहीं सस्पेंस आया क्या? नहीं. तो नलायक को ये तो पूरी एंट्री होगी. हाँ या नहीं? तो ये देखो व्हेन सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन दिसते क्या है? इधर भी वही एंट्री हुई है 150 150. से यस. एंड व्हेन सस्पेंस अकाउंट इज ओपन्ड तभी भी यही एंट्री. से यस. ये झंडू आगे चलो. गुड्स परचेस 250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता अकाउंट. अच्छा गुड्स परचेस की एंट्री बताओ. पूरी क्लास नहीं बता रही मेरे को गुस्सा आ रहा है. परचेस टू किसने कैश बोल रहा है कोई? तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना. तो क्या आएगा? परचेस टू गुप्ता. नेक्स्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? परचेस गुप्ता टू नो क्रेडिट. रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? सस्पेंस टू गुप्ता. इफेक्ट इज डबल्ड. कितना आ जाएगा इफेक्ट? समझ में नहीं आ रहा. 500. डू यू ऑल एग्री विथ मी? बेटा जी मैं पूछता हूँ सस्पेंस अकाउंट बोला तो ये एंट्री बराबर है. सस्पेंस टू गुप्ता 500. बट अगर ओपन किया ही नहीं तो गुप्ता अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय रेक्टिफिकेशन. वो इंग्लिश बहुत लिखेंगे. बहुत इंग्लिश लिखेंगे. तुम डरना मत. ठीक है. द एंट्री विल बी ऑन द क्रेडिट साइड बाय एरर्स इन पोस्टिंग 500. अच्छा दिसत नहीं. ये देख ये इधर देख इधर देख 500. बस ठीक है बेटा. ये सॉरी सॉरी गुड़िया. ये समझ में आ गया क्या? मुंह क्या देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8 को आके सॉल्व करो. अरे मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो सही है. कौन सा बेटा? 10 तो अभी हो गया चेक करके. 10 चेक हो गया.
11th करा दूंगा, टेंशन ना लोगों, क्योंकि कल 11th आपको करने का मौका ही नहीं मिला था पूरा, अभी मेरे को 8 चाहिए। बेटा करने तो क्वेश्चन सारे ही है, 8 कर लो यार। गुड़िया सुनना, क्या ऐसा कौन करता है यार? अच्छा सुनो, कैसे सॉल्व करोगे? दो हिस्से इसके, विथ सस्पेंस अकाउंट। संतोष कैसा है तू? ये चश्मा किसका है? और एक कैलकुलेटर तो कैसे होगा है? विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, ऐसे दो हिस्से करके आप सॉल्व करेंगे। तो इधर सिर्फ क्या लिखने का, कौन से अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट करोगे? से यस और नो, कौन से अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट करोगे इधर? और विद सस्पेंस अकाउंट जो एंट्री सिखाई मैंने वही क्वेश्चन, ये रहा आपकी सेवा में क्वेश्चन नंबर 8। थोबाड़ वर्क करना बगा, मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आपको करना है जल्दी से बेटा। बहुत ज्यादा आशाएं लगा के रखी है मैंने आपसे, जल्दी से कर दो। संतोष पीछे पड़ा है सर, नहीं तो मैं कर दूंगा। मैं आंसर इधर ही लिखते जा रहा हूँ। समझ में आ जाएगा ना? सस्पेंस टू सेल्स, और सस्पेंस नहीं आएगा टू सेल्स आएगा, तो सेल्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रेक्टिफिकेशन 100। सेल्स के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स मत लिख के आ जाना, लोग भाले से निकाल निकाल कर मरते हैं। अबे सेल अकाउंट में सेल का नाम लिखते हैं क्या? तो टू सेल्स इससे समझ में आ रहा है सेल को क्रेडिट होगा, बट उधर ये मत लिख देना बाय सेल्स। अरे यार तुम मतलब कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ जाओ, जब मैं पिद्दू सी कोई चीज बोलता हूं ना बस उसमें है ना ढेर। टू सेल्स लिखा है तो सेल्स को क्रेडिट होगा क्या नहीं होगा? तो उधर कुछ तो लिखना होगा ना भाई, क्या लिखेगा? हाँ नहीं तो देखो, नहीं तो कैसे खजूर करेंगे पापा। ये देखो सेल्स अकाउंट में बाय सेल्स, और पापा कितना मारेंगे सोच लो। समझ में आ रहा है ना? तुम कैश अकाउंट में क्या लिख रहे हो? कैश, कैश अकाउंट में कैश कैश कैश। अभी तक नहीं समझा पांडे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, छोड़ दे मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न्ड बाय ग्रीन कंपनी, आई हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। बताओ यार, सेल्स रिटर्न टू GN कंपनी। अच्छा दोनों केस में यही एंट्री रहेगी क्या? हाँ, क्योंकि इसमें सस्पेंस आया ही नहीं। Goods purchased. अरे ये एंट्री तो की थी अपन ने, क्या एंट्री हुई थी? सस्पेंस टू गुप्ता 500। हाँ नहीं, ओके। और बेटा रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? ए क्या बोलते हैं उसको, नहीं टू गुप्ता 500, दूसरा वाला विदाउट ओपनिंग सस्पेंस। मैडम टेंशन में, समझ में आया क्या ये? हाँ ये विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, ये वाला, ये विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अच्छा गुप्ता के क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे? बाय गुप्ता बाय रेक्टिफिकेशन, हाँ ना। हाँ नहीं तो अपने साथ साथ
मेरा नाम खराब करोगे। तुम्हें पता है फर्नीचर परचेस फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स, मस्त है ना नाम। रुपीज 1000 हैज बीन एंटर्ड, कौन सा कीवर्ड है एंटर्ड इन परचेस डे बुक, क्या करेक्ट एंट्री है? परचेस टू गुलाब, ए फर्नीचर टू गुलाब, फर्नीचर टू गुलाब। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? परचेसेस टू गुलाब। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? फर्नीचर टू परचेस। मुझे एक बात पूछो आपसे, क्या ये चेंज होगी एंट्री? सस्पेंस नहीं, ऐसे ही रहेगी ना। सो इसकी अमाउंट कितनी है बेटा जी? 1000 and 1000। डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस। सो दिस इज डी। यार ये ई वाला तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, तुम्हें आ रहा है? तुम्हें भी नहीं आ रहा है? छोड़ देने का जैसे पिछली बार डिसाइड किया था। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक रुपीज 15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम में एंटर नहीं हुआ। हाँ बट बेटा सुनो, डिस्काउंट कॉलम में एंटर नहीं हुआ, बट इसकी एंट्री कहां पे हो गई होगी? डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक रुपीज 15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, बट कहां पे हो गई? कहां पे? ओके, तो रेड एंड ब्लैक के अकाउंट में तो हो गई होगी। करेक्ट एंट्री क्या है बेटा? एक काम करो, इसके आगे लिखो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज चाहिए, दुरुस्ती चाहिए, आगे लिखो बट इफेक्ट टू रेड एंड ब्लैक अकाउंट इज गिवन, बट इफेक्ट टू रेड एंड ब्लैक अकाउंट इज गिवन, क्वेश्चन में चेंज करो बट इफेक्ट रेड एंड ब्लैक अकाउंट इज गिवन। इस लाइन का मीनिंग समझते हो? मतलब बेटा जी कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में नहीं हुआ बट रेड एंड ब्लैक के कॉलम में हो गया क्या? हाँ। करेक्ट एंट्री क्या? डिस्काउंट अलाउड की। अच्छा ये डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, सॉरी अलाउड नहीं है, इसकी एंट्री बताओ। रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसीव, सही है? कितना अमाउंट है तुम बोल रहे हो? 15। अच्छा रॉन्ग एंट्री क्या है? रेड एंड ब्लैक टू नो क्रेडिट। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। 15। अच्छा मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ। सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड, से यस। 15-15 है क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सस्पेंस नहीं ओपन किया तो क्या करेंगे? क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, से यस। यस वाइंड इट अप बेटा। चल बेटा आ गया, एक बार मॉड्यूल में चेक कर लेते उन्होंने क्या स्टैंड लिया इसका। उन्होंने क्या किया बेटा जी? अच्छा उन्होंने क्या अज्यूम किया पता है क्या? पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई उनका बराबर, इसलिए मैंने एक लाइन और आगे ऐड कर दी, बट इफेक्ट टू रेड एंड ब्लैक इज गिवन। तो एग्जाम में ध्यान में रखना जब वर्ड एंटर्ड आए, जैसे मैंने पहले बताया पूरी की पूरी एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं हुई है। हाँ है ना? ठीक है। हाँ बेटा ठीक है, गुड। नेक्स्ट एफ, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी रुपीज 18 नॉट एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम of cash book, the account of G Mohan and company has been correctly posted. I want their correct entry. Discount allowed to G Mohan. Kitna amount hai beta? 18. To kya beta correct entry hogi kya? Discount allowed to G Mohan. Haan kitna amount hai? 18. 18. Wrong entry kya hogi? Discount allowed mein gaya hai kya? Nahi. Kahan gaya beta? No debit. टू जी मोहन ना बेटा 18, नो डेबिट। रेक्टिफिकेशन क्या आएगा बेटा? डिस्काउंट अलाउड या टू सस्पेंस, कितना लिखो बेटा? 18 18। हैप्पी?
अब मुझे बताओ डिस्काउंट अलाउड के कौन से साइड में लिखते हैं? डेबिट साइड में. क्या? टू रेक्टिफिकेशन. सभी को क्लियर हो गया ना? सस्पेंस नहीं ओपन करते तो क्या करते हम? एग्रीड. दैट्स लवली. डियर फ्रेंड्स, विद दिस वी आर डन विद व्हाट? क्वेश्चन नंबर 8. अभी आज अपने को जितने क्वेश्चन बचे बाकी के सारे करने हैं. संतोष इधर आओ ना बेटा. संतोष को कोई बुलाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया. 9th करना है अभी. फिर कौन सा करना है बेटा? 11th. फिर 13, 14 एंड 15 एंड 16. कौन से करना है एक बार लिख लूं? अभी सीक्वेंस में चलते. 9 और 11, 13, 15 और 16. मुझे तुम्हारी हेल्प लगेगी. चलो 9th क्वेश्चन देखिए बेटा. करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त. द ट्रायल बैलेंस वॉज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट. शांति शांति और शांति. कौन सी साइड ज्यादा थी? मतलब कौन सी साइड शॉर्ट थी? मतलब सस्पेंस को कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस. जो साइड शॉर्ट होती है वो वाला बैलेंस सस्पेंस को होता है. डन. आगे बढ़ते. द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट. तो इसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है कि नहीं किया है? ओके. तो हमको रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस का यूज करना पड़ेगा. पढ़ो. एन अमाउंट ऑफ 100 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम दी दास बट हैज बीन ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन दी कैश बुक. व्हाट इज द कीवर्ड? बशी. अजून कीवर्ड एंटर्ड. मतलब एक इफेक्ट गया है कि एक भी नहीं गया है? एक भी नहीं गया है. क्योंकि वर्ड एंटर्ड और रिकॉर्डेड का मतलब है एक भी इफेक्ट नहीं गया है. पूरी ट्रांजैक्शन वैसे ही रिकॉर्ड हुई जैसा बोला है. पूरा डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट पूरा का पूरा उसी शब्द के हिसाब से हुआ है. हाँ या नहीं? तो मुझे करेक्ट एंट्री बताओ. कैश टू दीदास. रॉन्ग एंट्री क्या है? नो एंट्री. रॉन्ग एंट्री क्या है? नो एंट्री. और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी? कैश टू दीदास. सर हमको ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली करना है, कोई दिक्कत नहीं. तो क्या एंट्री होगी? कैश टू दीदास. लिखिए एंट्री. कैश टू दीदास. ये तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 है. तो तुम्हारी पहली एंट्री देख लो. कैश टू दीदास 100. बेटा प्लीज राइट फास्ट. आई डोंट हैव टाइम, यू नो आई एम वेरी बिजी. भाई अब बदनाम होने के काम हो गए शुरू. चलो सुन ले रहे भाई. द टोटल ऑफ रिटर्न इन वर्ड बुक फॉर डिसंबर हैज बीन कास्ट 100 शॉर्ट. सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस? डेबिट. परचेस रिटर्न? परचेस. सेल्स. स्टॉक. सैलरीज. रेंट. कैपिटल. असेट. लाइबिलिटी. आउटस्टैंडिंग सैलरी. सैलरी. प्रीपेड रेंट. असेट नहीं, बैलेंस बता. डेबिट. वेरी गुड, यू आर डूइंग इट रियली गुड. सो बॉयज एंड गर्ल्स, इसकी एंट्री भी बिल्कुल सही. और आपकी एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस. लिख छोरी, नाव देख ना ताव देख, लिख जल्दी से. अब सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी तो बोल सकते हैं ना पांडे जी. रिटर्न इनवर्ड टू व्हाट? सस्पेंस. बहादुर चलो आगे. कान को छोड़ दे. द परचेस ऑफ ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 300 हैज बीन पास्ड थ्रू परचेस डे बुक. नले को अभी गोबर मत करना, मैं पहले बोल रहा हूं. कौन सा कीवर्ड है ये बताओ? पास्ट. अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंगल साइड या बोथ साइड?
मतलब पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन वॉज रिकॉर्डेड थ्रू व्हाट? परचेज बुक. अच्छा मुझे बता दो एक बार करेक्ट एंट्री क्या है? फर्नीचर टू कैश. बशी गए गाँव पर फिराए थांबायचंच नहीं, क्योंकि बेटा परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो भाई क्रेडिट एंट्री होनी चाहिए. बंधु कल बताया था ये परचेज डे बुक में लेके जा रहे हैं, तो मेरे को याद, तुमको याद है क्या परचेज डे बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन जाती है? उधार की या कैश की? उधार की. अब बताओ करेक्ट एंट्री क्या है? ऑफिस टेबल या फर्नीचर टू व्हाट? पार्टी. रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? परचेज टू पार्टी. रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? फर्नीचर टू परचेसेस. एग्रीड ना? तुम्हारी एंट्री सही है क्या? ओइला ए ओइला नहीं ओइला बरोबर है. झंपुड़े लिख ए झंपुड़े. करेक्ट एंट्री लिख. क्या 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 करेक्ट एंट्री लिख. ऑफिस इक्विपमेंट कैसे होगा? तुझे समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ फर्नीचर टू पार्टी. नेक्स्ट बोल खजूर. ये परचेजेस टू पार्टी करेक्ट है कि रॉन्ग है? अमाउंट नहीं बताओगे क्या? भाड़ में जा, भाड़ में जा. कितना बेटा अमाउंट? 300. माझेल अभी अगली बार आ तू, तेरे को सिखाता हूँ क्या देखता हूँ. अभी माथ चढ़ी है तेरे को. बताओ अभी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या? फर्नीचर टू परचेस. ऐसे बूढ़े बाबा के साथ करेगा ना. ठीक है बेटा. अच्छा इसका मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट और लॉस पर कोई इंपैक्ट? कितने से बढ़ेगा कम होगा? आफ्टर रेक्टिफिकेशन बिफोर? बिफोर रेक्टिफिकेशन कितने से? एकदम भारी, बहुत भारी. अगला डी. आवाज नहीं करते डी पर. शोकेश मालूम है कि क्या होता है? क्या मेरी उंगली भी खा जा. बताओ भाई इस बार हाथ की बोली, अगली बार पैर की बोलूंगा. 375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेसेस. शोकेसेस का मतलब क्या? मतलब इट वाज लाइक सम फर्नीचर और सॉर्ट ऑफ थिंग. एग्रीड? मतलब जब हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में ऐसे शोकेस नहीं होते कि जहां पे डिस्प्ले किए जाते प्रोडक्ट. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? फर्नीचर टू कैश. एग्रीड? क्योंकि कुछ नहीं बोला तो आप कैश अज्यूम कर सकते हो. रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? वेजेस टू कैश. रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या? फर्नीचर टू वेजेस. चलो लिखो करेक्ट एंट्री. फर्नीचर टू कैश. अमाउंट बता गुड़िया. 375. ओके रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? वेजेस टू कैश. रेक्टिफिकेशन एंट्री. फर्नीचर टू वेजेस. प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट? बशी गए गाँव पर फिराए मैडम थांबायचं नहीं. प्रॉफिट पर इंपैक्ट? यस. इंक्रीज बाय हाउ मच? 375. बिफोर और आफ्टर रेक्टिफिकेशन? आफ्टर रेक्टिफिकेशन. बिफोर रेक्टिफिकेशन कम हुआ. कितने से? जय माता दी. चलो नेक्स्ट. ये अ परचेस ऑफ 67. अ परचेस ऑफ 67 हैड बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल अकाउंट एज रुपीज 60. मेरे को एक बात बताओ ना, इसकी वर्डिंग कौन सा की वर्डिंग? गोबार मत करना, सोच के दो. पोस्टेड सिंगल साइड बोथ साइड? करेक्ट एंट्री बताओ. परचेस टू कैश कहां पे दिख रहा है तुझे? अब और क्या करेगा एग्जाम में? तड़प तड़प के मर जाएगा ना. लाइक और एक्सपेक्ट करोगे? बोला है ट्रेड पेबल है यार, इधर कैश. करेक्ट एंट्री क्या है? परचेस टू पार्टी. कितना है बेटा? 67. गलत क्या हो गया? परचेस कितना गया है? 67. पार्टी कितना गया है? 60. हाँ है ना? तो रेक्टिफिकेशन क्या मारेंगे?
सस्पेंस टू पार्टी और ट्रेड पेबल कितना? सात सात। भाई पत्ते पत्ते हम साथ साथ है। हाँ तू ही पत्ते पत्ते हम साथ साथ है। कोशिश कर तो रहे ना। ओ बीमारी साथ साथ है हम। एंट्री बोलो ना। नहीं नहीं ऐसे नहीं, पहले करेक्ट एंट्री बताओ। परचेज टू पार्टी या ट्रेड पेपर लिख दूं क्या? थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लगता है। हाँ कितना बेटा? 67 67। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? परचेज 67 टू पार्ट सॉरी ट्रेड पेबल 60। बेटा सभी को अभी क्लियर हो रहा है ना कि परचेस में एरर नहीं है। और ये कौन बताता है आपको? पोस्टेड। क्वेश्चन नहीं रहे झंडू, उसमें वर्ड पोस्टेड थर्ड क्लास। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? सस्पेंस टू ट्रेड पेबल कितना? सात और सात। ट्रेड पेबल नहीं पेबल, सात सात। हो झंपुड़िया मुझे निराश मत करना प्लीज, बहुत दूर से आया हूं मैं, निराश मत करना प्लीज। क्या पी एंड एल अकाउंट पर कोई इंपैक्ट? कोई पी एंड एल अकाउंट पर इंपैक्ट? क्यों? ट्रेड पेबल अकाउंट। तू हर बार थोड़ा सा लेट क्यों बोलता है ना लाइक? हाँ तू लेट करंट है, इतने में तो चले जाएंगे किसी और के साथ। चलते क्या अभी आगे? ये कौन सा हो गया? ई हो गया क्या? एफ एफ चेक फॉर रुपीज 200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी हैड बीन डिसऑनर्ड एंड वॉज पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट रुपीज 1000 पेड फॉर द परचेस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त had been charged to miscellaneous expense account. ए नलाई को पहले बताओ ट्रांजेक्शन एक है कि दो है? तो पहले एक को हैंडल कर, दूसरा देखेंगे। दोनों को एक साथ नहीं करेंगे, इतनी औकात नहीं है, एक एक को करो। पहला वाला कौन सा है? चेक ऑफ रुपीज 200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी हैज बीन डिसऑनर्ड। करेक्ट एंट्री बताओ। पीसी जोशी टू बैंक, क्योंकि जब मिला था तब क्या कहता? बैंक टू जोशी, बट वो डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या होगी? जोशी टू बैंक। हाँ कुछ दिन के बाद में है ना जू में ले जाएंगे तेरे को, सोच ले अभी तू ही, मुझे पता नहीं क्या एंट्री आएगी। जोशी टू बैंक। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? वेरी गुड, अलाउंस टू बैंक ऐसा हो गया ना, डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट बोला। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? पीसी जोशी टू अलाउंस। वाओ यू आर डूइंग इट ओरली, प्लीज चेक, तुमको अच्छा लगेगा बेटा, प्लीज चेक। आर यू फाइंडिंग इट गुड? सो करेक्ट एंट्री कराऊं गुड़िया? हाँ ना, ठीक है चलो आ जाओ बेटा। पहले करेक्ट एंट्री क्या बेटा जी? पीसी जोशी टू बैंक। अमाउंट बोलो 200। गलती क्या हो गई? अलाउंस। फिर क्या होगी? पीसी जोशी टू अलाउंस। You're right, 200 200। Okay's. तुम्हें पता है दत्त साहब के लिए एक मोटरसाइकिल ली गई थी। हाँ दत्त साहब समझते हो? तो वो धंधे का है या उनका पर्सनल है? और उन्होंने कहां पे डाल दिया? मिसलेनियस एक्सपेंस, मतलब ये तो अपने धंधे को हिट मार जाएगा। करेक्ट एंट्री क्या है? ड्रॉइंग्स टू कैश। रॉन्ग क्या हो गई? मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश। रेक्टिफिकेशन क्या मारोगे? ड्रॉइंग्स टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अभी तुमको वापस और एक बार अच्छा लगेगा उत्तरी, बट इनको पूछो 1000 रुपए में मोटरसाइकिल कौन देता है, इनके कौन बैठे वहां पे? बराबर है बेटा, बराबर है, घर में लेकर घूमती है, है ना बेटा? वेरी गुड। अरे एक सेकेंड, ड्रॉइंग्स टू कैश। अच्छा नेक्स्ट एंट्री बताओ। मिसलेनियस एक्सपेंस, रॉन्ग एंट्री टू।
कैश कितना है? 1000 1000. रेक्टिफिकेशन एंट्री, जरा सोच समझ के जवाब देना, मेरी जिंदगी का सवाल है. दोगे ना? प्रॉफिट और लॉस पर क्या इंपैक्ट है? बढ़ेगा. कितने से? 1000 आफ्टर रेक्टिफिकेशन. बिफोर रेक्टिफिकेशन सच्ची हाँ कम हो गया था. शोभित जम रहा है ना? अगला क्वेश्चन तेरे पास ही आ रहा है बेटा, तैयार रहियो. गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 हैड बीन रिटर्न बाय कस्टमर एंड वर टेकन इनटू इन्वेंटरी बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट देयरऑफ वाज पास्ड इनटू द बुक्स. अरे इसकी एंट्री क्या है? कौन सी एंट्री हो गई है? पहले है क्या? सेल्स रिटर्न. अच्छा सेल्स रिटर्न हाँ या नहीं बेटा? एंट्री हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है. तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या है? सेल्स रिटर्न टू कस्टमर और पार्टी. क्या ये एंट्री हुई है क्या? नहीं. तो बेटा क्या एंट्री करनी पड़ेगी? क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी? सेल्स रिटर्न टू पार्टी और कस्टमर. ये देख लो भाई, तुमने बराबर बोला ना 100. सेल्स रिटर्न टू व्हाट? पार्टी. चेक कर लो सेल्स रिटर्न टू पार्टी. लिखो एंट्री, एंट्री लिखो सेल्स रिटर्न टू पार्टी. लिख दिया सेल्स रिटर्न टू पार्टी. हैप्पी? और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन वॉट बेटा? डेटर्स. ये ले छोरी, तू क्यों इतना टेंशन लेती? रिटर्न इनवर्ड्स टू डेटर्स. हो गया, कोई बात नहीं. ए ढेमचा, अगला देख. अस्से दो मिनट रुक जा रहे संतोष, ये ध्यान नहीं दे रहे मेरे पास. दो मिनट रुक जा. हाँ, अ सेल ऑफ ₹200. संतोष थोड़ा साइड में होना बेटा. हाँ, अ सेल ऑफ ₹200 टू सिंग एन कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट. मुझे करेक्ट एंट्री बताओ. सिंग एन कंपनी टू सेल्स. रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? नो डेबिट टू सिंग एन कंपनी टू सेल्स. हाँ ना? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? सिंग एन कंपनी टू सस्पेंस. सिंग एन कंपनी अमाउंट कितना आएगा? 400. माँ कसम तुम ओरली एंट्री निकाल रहे हो. ये देखो वो एग्जामिनर को कितना वर्क करना पड़ रहा है. सिंग एन कंपनी टू सस्पेंस 400. डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस. तो बेटा लिख लो ये सिंग एन कंपनी टू सस्पेंस. संतोष बाट बेटा बाट. अरे घर में डरोगे तो नहीं ना? आ जाएगी ना एंट्री है. हाँ, सिंग एन कंपनी टू सस्पेंस. अभी सुनो मेरी बात. कौन सी साइड शॉर्ट थी? ए भाई कौन सी साइड शॉर्ट थी बताओ ना शुरुआत से. हाँ जी डेबिट साइड. क्या 493 एक्सेस क्रेडिट है, सो डेबिट साइड रहेगा ना उसका बैलेंस. तो देखो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन भी लिख सकते थे 493, और उसके बाद में उसको पोस्टिंग करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा. अरे दिख रहा है क्या अकाउंट सस्पेंस का? खजूर बनाया था ना अपन ने एक अकाउंट तो ऐसा. हाँ चलो अभी आज एक बात करते हैं. करेंगे हमारे संतोष जल्दी करना बेटा, अभी बाकी के लोग ध्यान देंगे मेरे पास. सबको मिलेगा, टेंशन मत लो. हमारे माँ बाप, हमारी परिस्थितियाँ, हमारा स्वरूप, हमारा रूप, यह हमारे हाथ में नहीं होता है. होता है? तो जब सृष्टि ने हम सबका निर्माण किया, यू आर दिस मदर अर्थ और मदर नेचर, व्हेन दे स्टार्टेड क्रिएटिंग अस, दे वांटेड दैट डिफरेंस टू एग्जिस्ट. दे वांटेड दैट डिफरेंस टू एग्जिस्ट. No two dogs are same. No two animals are same. Agreed? So everyone has got a different nature. Do you appreciate this or not? किसी को गुस्सा जल्दी आता है, किसी को कुछ भी कर लो गुस्सा नहीं आता है. Agreed? So everyone is being different in terms of personality.
A lion is a lion when he's in jungle, but the same lion can be tamed and can be asked to work in a circus, or the same lion can be asked to, you know, be a part of a zoo, or the same animal can be a part of entertainment where you can take him free. अब तुम फ्री में लेके जा सकते हो, उसको कोई बांधा नहीं, कुछ नहीं चलता है. सो डोंट यू थिंक सो, मदर अर्थ मेड अस ऑल डिफरेंट. तुम देखो कितने सारे प्राणियों के नेचर तुम्हें अलग अलग बता रहा हूं तुम्हें. इंसान भी, हम सब लोग अलग अलग होते हैं, हमारे रुचि, हमारे विचार, हमारे इंटरेस्ट, सब चीजें अलग होती है. ये सोचना और अपने आप को कंपेयर करना किसी के साथ कि मेरे को जितना समझा है उतना ही दूसरे को समझ में आना चाहिए, ये मूर्खता की निशानी है. तुम समझ ही नहीं रहे हो रूल क्या है. वो रूल की खास बात पता है क्या क्या होता है? ये होते हैं, तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. अब यहां से इलेक्ट्रिसिटी जब चल रही है वायर में, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव हो रहे हैं, ये रूल है, ऐसा सत्य है, इसको कहते हैं सत्य है, ये झुटलाया नहीं जा सकता. तुम मानते हो ना मानते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ सकता है? नहीं. उसी तरीके से इस क्लास के बच्चों को मैं क्लियर क्लियर समझा दूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सभी को बराबर लेवल से शायद समझ में नहीं आया होगा. जैसे खरबूजा बैठा है मेरे सामने, इधर से फ्रेंच कट, पहला दिन है आज उसका. पहला दिन है मतलब बीच में गायब हो गया था, फिर वापस आ गया, फिर वापस आया, फिर वापस गायब हो गया. ऐसा ही हुआ ना? नहीं हुआ, ऐसा ही है, मुझे बताया. तो इसको घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट? अब मेरे तरफ से विचार देखो, मैं कैसे सोचता हूं. आई से इट्स ओके, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है. किसी को समझ में आया, इट्स ओके, दैट्स ग्रेट. मैं ऐसे विचार करता हूं. तुम्हारे तक मेरी बात पहुंच रही है क्या? तुमको जो समझ में आया ना वो मैटर करता है, जो तुम्हारे पास नहीं है अभी वो मैटर नहीं करता है. कई सारे बच्चों के पास वो प्रतिभा होती है, वो एक चीज होती है जिसके ऊपर अगर वो काम करता तो कहीं का कहीं पहुंच जाता, बट उस पर काम करता ही नहीं और चीजें तकलीफ में रह जाती, बस ये वाला पार्ट नहीं समझा, छूट गया. वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे पास जो है उसका तुमने प्रयोग कैसा किया. सही है? अच्छा, तुम्हें पता है डायमंड का बिजनेस करने को कितना पैसा लगता है? बहुत लगते होंगे. डायमंड खरीदना अपने आप में एक चैलेंज है. लोग डायमंड खरीदना चैलेंज मानते हैं, तो डायमंड का बिजनेस करना तो उससे बड़ी बड़ी चैलेंज है. अब मुझे बताओ, पानी के बिजनेस में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं. बट तुमको मैं एक बात बता दूं क्लियरली, डायमंड के बिजनेस में भी लॉस होता है. मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतना पैसा कमाया और डायमंड का बिजनेस शुरू किया, दमदार होगा ना आदमी जिसने डायमंड का बिजनेस शुरू किया, उसको भी लॉस होता है. और पानी का बिजनेस जिसमें कुछ नहीं लगता उसमें भी प्रॉफिट होता है, या उसमें भी लॉस होता है. चीजें कहां पर फर्क पड़ती है? तो चीजें यहां पर फर्क नहीं पड़ती कि आपके पास क्या है. पानी के बिजनेस के वाले के पास या पत्थर का बिजनेस करने वाले के पास कुछ नहीं था शायद, इसलिए शायद पत्थर का बिजनेस चालू किया, इसलिए शायद पानी का बिजनेस चालू किया, हाँ या ना? उसने भी प्रॉफिट कमाया. और डायमंड वाले बिजनेस के पास, उसके पास सब कुछ था, उसने भी लॉस कमाया. तो तुम्हारे पास जो है उसका तुम क्या करते हो वो मैटर करता है. तुम्हारे पास कितना है वो कुछ मैटर नहीं करता. डायमंड वाले के पास इतना पैसा था फिर भी लॉस हो सकता है ना, तो तुम कितने बुद्धिमान हो? होपलेस. आई ट्रीट इट एज ए यूजलेस थिंग. तुम टैलेंटेड हो तो तुम उसका क्या करते हो वो मायने रखता है. तुम मान लो टैलेंटेड नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ग्रास्पिंग वीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसका क्या करते हो वो मायने रखता है. मेरी बात पहुंचती है अब तक? और क्या सभी लोग सेम हो सकते हैं क्या? सभी लोग सेम नहीं हो सकते. सोचो अगर सभी लोग सेम होते, सभी को एक ही चीज पसंद आती, कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती. आकाश बहुत जल्दी समझ गया बात को, बोले जो मुझे पसंद आई वही सबको पसंद आ रही है. अरे तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे इट वुड हैव बीन अ बिग चैलेंज सर. आर गॉड वॉज वेरी स्मार्ट, और द मदर अर्थ वॉज वेरी स्मार्ट, इज वेरी स्मार्ट. दे डिजाइंड एवरी वन डिफरेंटली. सो प्लीज अंडरस्टैंड, इस क्लास में सभी को एक जैसा समझ में नहीं आएगा. तो तुम्हारे को जो समझ में आया वो मायने रखता है, और उसके बाद में तुम क्या करते हो वो मायने रखता है. ये इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं सेकंड पॉइंट पर लेके आ सकता हूं तुमको. तो क्या मायने रखता है? सभी को समझ में आने को ना उत्तैच नहीं, तो तुमको कंपेयर करते हो किसी और के साथ तो तुम मूर्ख हो. जिस दिन ये चीज मैंने समझ ली कि मुझे खुद को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करता, सबसे सुखी प्राणी, में कोई टेंशन ही नहीं है. क्या है? हाँ ठीक है, तू कर भाई. ही जस्ट कैनॉट अनॉय मी. तू मुझे बड़े से बड़ा दिग्गज आदमी लाकर खड़ा कर दो, अरे सर ये इतने पैसे कमा रहा है, भाड़ में जाए कमा. यू कैनॉट डिस्टर्ब माई पीस, आई एम एट कूल एंड पीस. तू मुझे कुछ नहीं कर सकता. सर वो एकदम कम कमा रहे, कोई बात नहीं कमाओ.
फॉर मी इट्स एज सिंपल एज दैट, क्योंकि मैं हूं, तुम हो, तुम तुम्हारे तरफ से रहो, मैं मेरे हिसाब से रहूंगा, जो मुझे जमता है वो करूंगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, जो तुम हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बाजू वाला कैसा है या कैसी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड चीज, जो तुमको सिखाया जाता है उसके बारे में कुछ करना होता है, ऐसा मैंने बोला ना, तो अब कैसे करना होता है? सिंपल सी बात है, वो करना होता है राइट टाइम पर। मतलब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग। गुड़िया तू बचपन में क्या गेम खेलती थी? वो बाजू वाली लपा छपी, कुछ टॉयज वगैरह मांगती थी, टॉयज वगैरह कुछ खेलती थी? कोई टॉयज नहीं खेलती थी। एक हाथ तो टॉय खेला होगा यार, ऐसे मत कर। कौन खेलता बारबी डॉल? ये बारबी डॉल से खेलती थी चोरी। ठीक है, अब मैं एक बात पूछता हूँ इसको, इसको बारबी डॉल आज ला कर दे दूँ, खेलेगी? बहुत मजा आएगा, नहीं आजो, आजो, आजो। खेल सकते? तो क्या चीज मायने रखती है? सही समय। ठीक है, मैं कई बार सोचता हूँ एक जमीन खरीद लूँ, फिर ऐसे बातें चलती है, अरे पहले खरीदते तो इधर हो जाते, भाई झंडू पहले खरीदते तो ना। हाँ, तो मायने क्या रखता है? टाइम। टाइमिंग से इंपॉर्टेंट चीज है ही नहीं इस पूरे आपके करियर में। सोचो और कौन सी चीज है जिसमें आपको लगता है कि टाइमिंग बिगड़ गया तो उसके बाद में कोई लेना देना ही नहीं है? शादी, वेरी गुड। देखो ना, आपको आपको देखो ना, आप कुछ चीजें सोचो, किसी को एजुकेशन की फैसिलिटी मिलना लेट, मतलब बहुत लेट, दसवीं, मतलब जब उम्र निकल गई, फिर उसके बाद में टेंथ करना, नहीं लगता तुम्हें कि टाइमिंग पूरा बिगड़ गया? एक आदमी मरने वाला है, मरने के बाद में पहुंचे और उसके पहले पहुंचे, तुम्हें लग रहा है? नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। जिंदगी से गुजर चुका हूं मैं इस चीज से कि कोई मरने वाला है, आपको पता है हॉस्पिटल में, यानी उसे आज निकल जाऊंगा, उस दौरान चला गया आदमी, वो मिलना चाह रहा था आपसे, रहेगी जिंदगी भर बात तुम्हारे साथ, होता है, मैं गुजरा हूं इस चीज से। तो क्या मायने रखता है टाइमिंग? बहुत ज्यादा। तो दो चीजें समझा रहा हूं आज तुम्हें, तुम जो है वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि तुम्हारे जैसा और कोई है नहीं, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे जैसे तुम ही हो तो तुम ही बेस्ट हो, कंपैरिजन ही नहीं है। घोड़े को बिल्ली के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्यों? घोड़े को म्याऊं म्याऊं नहीं करा सकते और बिल्ली घोड़े जैसे फास्ट नहीं भाग सकती, दोनों चीजें अलग है, भगवान ने बनाते वक्त ही दोनों को अलग से बनाया, तो कंपेरिजन पागलपन है। एक चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, जो तुम्हारे पास है वही काम आएगा, और जो काम आएगा वो आपको राइट टाइम पर करना पड़ेगा, राइट टाइम पर नहीं करोगे तो भी वेस्ट है। मैंने मेरा कर्तव्य किया, आपको पढ़ाया, मैं तुमको मेरा एक अनबायस्ड ओपिनियन दे रहा हूं कि मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों का इन जनरल आज के तारीख में जो वर्किंग है और जो स्पीड है बहुत ही बेहतरीन है, यू आर डूइंग इट अमेजिंगली फास्ट ओरली। हाँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता होगा, मैं कहां मना कर रहा हूं, बट ठीक है, मुझे पता है कि अगर वो घर जाके प्रैक्टिस करेगा तो उसका वो कन्फ्यूजन भी चला जाएगा, नहीं करेगा तो खड्डे में गिरेगा। तो मैंने मेरा काम कर दिया, अब काम आपका है, आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, नहीं करोगे तो टाइमिंग बिगड़ेगी, टाइमिंग बिगड़ेगी तो कुछ मतलब नहीं है। जैसे एक बार ऐसे ही हुआ था, मैंने लोहा नहीं होता लोहा, कई बार ऐसा काम कराती मेरी भाई को, मेरे को सीख दिलाने के लिए, समझाने के लिए, सो शी सेंड मी टू अ यू नो ब्लैक स्मिथ, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ब्लैक स्मिथ, व्हाट इज अ ब्लैक स्मिथ, लोहार। तो मैं लोहार के पास गया और एक पाइप हमको फोल्ड करनी थी ऐसे, मतलब गोल करना था, तो उस पाइप को हमने इसके अंदर डाला, किसके अंदर? भट्टी के अंदर, और उसको गर्म किया बहुत रेड हॉट। फिर उसके बाद में मेरा दोस्त का फोन आया मुझे, मैंने उसको भट्टी में से निकाला, इधर बाहर रखा हुआ था, तभी मेरे दोस्त का फोन आ गया था, चंपा, बोले चलती है क्या, चलता है क्या पिक्चर? मैं बोला हाँ ठीक है, सुन ले चलता है क्या पिक्चर? मैंने बोला हाँ ठीक है, एंड आई वेंट वॉच द मूवी, केम बैक और फिर फोल्ड कर रहा हूँ। तुम भी सोच लो अपने आप से, तुम सोचते हो आज रेक्टिफिकेशन पढ़ाया, आज एकदम गर्म गर्म हो तुम, कल जाओगे कर लोगे तो ठीक है, 15 दिन बाद करोगे तो होगा क्या? तब तुम क्या कर रहे हो? सत्य को झुठला रहे हो, सत्य बदल नहीं सकता तुम्हारे लिए।
जो सच है वही होगा। सच क्या है? समय पर चीज करो, समय पर नहीं करोगे दुर्दशा तय है। समझ आ रही है? सब चीज सिस्टम से चलती है। चलो लगाते हो क्या कोई चैलेंज मुझसे? मत करना इसको अगले एक महीने में, फिर मेरे को करके दिखा देना। सत्य है कि करना ही पड़ेगा टाइम पर, नहीं करोगे डूबोगे। क्यों सेट समझे कि नहीं? अब पहले ऐसे मत सुना करो, फिर मेरे को आसाराम बापू की फीलिंग आती है। प्लीज, मुझे बहुत गंदा लगता है फिर अंदर से, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ रे भाई। अरे सर क्या बोल रहे हैं, क्या कब आवा ये। चलो चलते हैं। बट कभी मेरी फीलिंग वाली फीलिंग से गुजर कर तो देखना, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। वो कोई गाड़ी चलाते चलाते बोलते मेरे को आगे जाना है, जा कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम लीस्ट बॉदर्ड, जा भाई जा, आराम से जा। समझ, मेरे को राइट से जाना है, मैं राइट से जाऊंगा, पीछे वाला पा 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 बजाते रहे मैं जाऊंगा। शांति है एकदम। चलो 11th, राइट आउट द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड व्हाट। अबे बोलोगे कि खजूर? सस्पेंस अकाउंट। मुझे यार तुम हेल्प नहीं कर रहे यार, ऐसे नहीं करो ना। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रिटर्न्ड बाय मिस्टर शर्मा। ए रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा मतलब सेल्स रिटर्न, भारी। वर एंटर्ड इन सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू क्रेडिट टू हिज अकाउंट। तो बेटा करेक्ट एंट्री क्या है? पहले मुझे बताओ। सेल्स रिटर्न टू शर्मा, अच्छा 100 लिख दू गुड़िया। सो मैंने करेक्ट एंट्री लिख दी, क्योंकि पोस्टेड वर्ड आ गया ना, तो मैंने जैसे बताया वैसे ही करना पड़ता है। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्या एंट्री है? सेल्स रिटर्न टू शर्मा। बोल बेटा कितना है? छोरी जोरदार बोलिए एकदम। और रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? नो डेबिट टू सेल्स और टू कुछ और आएगा, टू शर्मा। क्यों टू शर्मा? क्योंकि क्लियरली बोला एंड पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, और सेल्स बुक में लिखा है तो सेल्स बुक की टोटल तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में ही जाएगी ना। हाँ, सो टू शर्मा कितना आएगा? 100 नहीं बताओगे क्या होगा इसका? है छोरी, सेल्स रिटर्न 100, सेल्स अकाउंट 100 टू सस्पेंस 200। समझ में आती है मेरी बात? यस। ये छोरी की एंट्री गलत हो गई, ये वाली है ना, गलत हो गई ना। हाँ कोई बात नहीं, अब कर लो। तो सेल्स रिटर्न सेल्स टू व्हाट? सस्पेंस। यस लवली पीपल, हियर वी गो। एक कौन सा क्वेश्चन है भैया? 11 के हेडिंग क्या है? शर्मा है ना, शर्मा। ये देखो, सेल्स सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एन अमाउंट ऑफ 150 एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। मुझे एक बात बताओ, करेक्ट एंट्री क्या है? एन अमाउंट ऑफ 150 एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। हु रिटर्न द गुड्स मतलब सेल्स रिटर्न है, हाँ नहीं? तो एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न टू फिलिप। लिखो तो सेल्स रिटर्न टू फिलिप कितना बेटा? 150। ओके, अब क्या हुआ? हुआ क्या है? वॉज पोस्टेड टू व्हाट? डेबिट ऑफ फिलिप। तो बेटा सेल्स रिटर्न में कोई चेंज है क्या? नहीं। तो क्या एंट्री आएगी? सेल्स रिटर्न फिलिप टू नो क्रेडिट। कितना आएगा बेटा जी? 150 रेक्टिफिकेशन सस्पेंस टू फिलिप, हाँ नहीं? कितना? 300। डू यू ऑल एग्री? यस। करते क्या बड़े लाइट बादामी कलर? हाँ, हंसा हंसा बच्चा हंसा है, छोटा था तो वैसे ही हंसता था कि रे। सस्पेंस टू फिलिप दिख गया क्या बेटा? आगे नेक्स्ट क्या लिखा है? अ सेल ऑफ 200 मेड टू मिस्टर घनश्याम वॉज करेक्टली एंटर्ड इन
sales day book, but wrongly posted to the debit of Mr. Radhesham as rupees 20. Pehle correct entry batao. Ghanshyam 2 sales. Kitna hai gudiya? 200. Galti kya ho gayi? Radhesham 2 sales. Ye Radhesham ko kitna gaya? 20. Sales ko kitna gaya? 200. Kyunki beta word posted hai to jahan par bula hai wahin pe error. Rectification entry kya aayega? Ghanshyam 200. To Radhesham 20. To Sapens 180. Haan hai na? तुम देखना चाहोगे कि हम सही है कि नहीं है? ये देखो, घनश्याम टू राधेश्याम टू सस्पेंस, वेरी गुड झंपुड़ी. अगला कौन सा है? बैड डेट्स. ये चलू ना बेटा, क्या बैड डेट्स एग्रीगेटिंग 450 वर रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन सेल्स लेजर बट वर नॉट एडजस्टेड इन जनरल लेजर. है तेरी, ये तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया. सुनो, इनका बोलना क्या है, पर्सनल अकाउंट में एंट्री हो गई है. क्योंकि देखो एंट्री कहां पे होगी, ओ सॉरी, कहां पे हो गई, सेल्स लेजर बट वर नॉट एडजस्टेड इन जनरल लेजर. ओके, देखो सुनो क्या होगा, मैं तुम्हें एक बार एंट्री दिखाता हूं, करेक्ट एंट्री. बैड डेट्स टू पार्टी डेटर्स. बेटा जो डेटर्स है इसको बोलते हैं हम सेल्स लेजर, ठीक है, इसको एक नाम है. और जो बैड डेट है इसको हम बोलते हैं जनरल लेजर. बैड डेट्स को क्या बोलते हैं, और टू डेटर्स को क्या बोलते हैं, सेल्स लेजर. क्रेडिटर्स को बोलते हैं परचेस लेजर. एग्रीड? अच्छा मुझे बताओ बैड डेट्स कितना है? 450. बेटा रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, बैड डेट्स एंट्री नहीं हुई, नो डेबिट. टू डेटर्स कितना आएगा? 450. रेक्टिफिकेशन क्या आएगी? बैड डेट्स टू सस्पेंस हाउ मच? 450 और 450. मतलब सारे नॉमिनल अकाउंट ये जनरल लेजर में जाते हैं. जिनसे पैसा आना है डेटर्स उसको सेल्स लेजर बोलते हैं, जिनको पैसा पेमेंट करना है क्रेडिटर्स उनको परचेस लेजर बोलते हैं. तो इसमें एक ही तो नया शब्द मिला ना, डेटर्स लेजर या सेल्स लेजर मतलब डेटर्स अकाउंट से हो. बगुन गया अकाउंट, रेक्टिफिकेशन बरोबर जाती है, आईला बराबर गई रे. अब तुम इतने होशियार हो तो क्या है फिर, अभी जाना ही है सही. ओके, नेक्स्ट क्या है गुड़िया? लिखा क्या रे बाबू? द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2015 अमाउंटिंग टू 250 वॉज नॉट पोस्टेड. मतलब पार्टी में तो गया, करेक्ट एंट्री क्या है? डिस्काउंट अलाउड टू पार्टी. रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? नो डेबिट टू पार्टी. अरे हो नहीं, कितना अमाउंट है बेटा? 250. ये 250 जीरो. हाँ एंट्री क्या बेटा? डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस. डिस्काउंट अलाउड कितना? 250. टू सस्पेंस कितना? 250. माहौल है? यस सर. सो फिफ्थ एंट्री इज डन. या बेटा ये क्या, डिस्काउंट टू सस्पेंस, बिल्कुल सही है. क्या हो बेटा बोलना, क्या आवाज नहीं आ रही है? श्रीमंत बोलो बेटा. विनायक कुछ, संतोष उधर जाओ देखो, और सब लोग लिख रहे क्या देखो एक बार, सब लोग लिख रहे कि नहीं? और बेटा अगर एक जन भी मिला मेरे को और मेरे को तुझे पता है कि मेरे को पता चल जाएगा तो बेटा मैं तेरी बैंड बजाऊंगा, झूठ नहीं बोलना. तेरे दोस्त होंगे तेरे घर पर. तेरवा प्रश्न, तेरे जीते जी तेरा तेरवा निकालूंगा ना लायक. तेरवा प्रश्न आ जाओ. हाँ सब लोग एक दो श्रीमंत के वहां पे, उसके आगे गिरो और उसके आगे गिरो. श्रीमंत लास्ट उधर से देख, सब लोग लिख रहे कि नहीं लिख रहे. अभी लास्ट क्वेश्चन जो मैंने किया ना संतोष, कौन सा गिरा है? 11th. 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 11
तेरा रेडियो सभी ने लिखा है, वेरी गुड बच्चों। और मेरे पास ऐसे मत देखो, मेरे को शक करना मेरी आदत है, कुछ नहीं कह सकता उसका। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एंड एच फेल टू एग्री एंड द डिफरेंस ऑफ 20,570 वॉज पुट इन टू सस्पेंस अकाउंट पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोज दैट। बाढ़ में जाए पहले मुझे बताओ, इसमें सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का? यस। आगे बढ़ते, परचेस रेट रिटर्न डे बुक had been correctly entered and total 6160 but had not been posted to ledger. मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, तुम बताओ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। पार्टी टू परचेस रिटर्न, ये करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? पार्टी टू नो क्रेडिट। क्यों नो क्रेडिट? क्योंकि उन्होंने बोला टोटल तो बराबर हो गई बट उसकी पोस्टिंग ही भूल गए। हाँ या नहीं? फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? सस्पेंस टू परचेस रिटर्न, यस और नो? यस। चेक कर लो, इस आदमी का नाम क्या है भाई? डब्ल्यू एंड एच ना, क्या बोलता है? क्या बोला भाई, कुछ समझा नहीं। मतलब एक दो मिनट बेटा, हाँ ये रहा, हाँ बोल बेटा, क्या बोल रहे? बट हैड बीन नॉट आना चाहिए। किसने फाइंड आउट किया ये? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड रीडिंग। इस बच्चे ने क्या लिखा पढ़ा है पता है क्या? परचेस रिटर्न डे बुक हैड बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल्ड एट 6160 बट हैड बीन पोस्टेड टू द लेजर, हैड बीन पोस्टेड टू द लेजर, इसका होना चाहिए मेरे हिसाब से हैड नॉट बीन पोस्टेड। हैड बीन मतलब तो एंट्री हो गई ना, फिर और क्या करना था? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसकी रेक्टिफिकेशन हैड नॉट बीन कर दो, हैड बीन नहीं, हैड नॉट बीन मतलब परचेस रिटर्न की पोस्टिंग हुई नहीं, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? सस्पेंस टू परचेस रिटर्न। कितना अमाउंट आएगा बेटा? 6160। एक बार चेक करना चाहोगे तुम? ये देखो, आवाज नको पाइजे, आईला बराबर है, देखना रे। क्या नाम तेरा? कृष्ण के रूप, बलराम नहीं, क्या नाम तुम तेरे बाजू में? हाँ क्या नाम है तुम्हारा? नहीं नहीं उसके बाजू वाला, हाँ ब्रिजपाल, हाँ वही तो मैंने बोला ना कृष्ण के रूप। हाँ ठीक है, ये भाई पहला वाला हो गया क्या बराबर से? तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक क्या पता चले आपको? Had not been posted. इसकी rectification entry क्या लिखी आपने? Suspense to purchase return. अगला, wow, this is very good. I would like to solve it on my own, but तुमसे पूछता हूँ। Discount received 1320 had been debited to discount allowed account. Correct entry क्या? Party to discount received. Word debited है। दोनों side error, single side? Single side. तो बेटा बताओ मेरी पहली entry क्या हुई? Party to discount received. कितना अमाउंट लिखो बेटा? 1320 एंड 1320। अच्छा रॉन्ग एंट्री क्या होगी? पार्टी 1320, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि वर्ड डेबिटेड है। जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो डिस्काउंट अलाउड में गया है, तो डिस्काउंट अलाउड टू नो क्रेडिट बराबर है। एक उड़िया रेक्टिफिकेशन क्या मारेंगे? सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट अलाउड। अच्छा ये 1320 ओके, डू यू वांट चेक द एंट्री? रसगुल्ले लिख दिया क्या? देख ले फिर बाहर, कबूतर है कह रहे, नहीं तो भी उनको ही संभालना है, अभी क्या करेंगे? वो जो करते हैं ना उसका खाद अच्छा बनता है बेटा।
चलो फर्स्ट हो गया, क्या बोलूं अभी, क्या करने का समझ में आता है. द सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडर एडेड बाय रुपीज 10,000. रेक्टिफिकेशन बता दो यार. सस्पेंस टू सेल्स लिख दो. सस्पेंस टू सेल्स, अब क्या हो गया पता नहीं, ऐसा मतलब बोर हो रहा है ना अभी ये. सस्पेंस टू सेल्स 10,000. सही है बेटा ये एंट्री? यस, थर्ड एंट्री भी मैच हो गई. सस्पेंस टू सेल्स 10,000. अच्छा पूछू क्या? अ क्रेडिट सेल ऑफ 1470 हैड बीन डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट एज 1740. व्हाट डेबिटेड है, सिंगल या दोनों साइड? सिंगल. बताओ क्या एंट्री होगी? कस्टमर टू सेल्स. गुड़िया बता, करेक्ट 1470 है. ओके गलती क्या हो गई बेटा? कस्टमर कितना? 1740 टू सेल्स 1470. रेक्टिफिकेशन क्या मारेंगे? सस्पेंस टू कस्टमर कितना मारू? 270. डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस कूल. जो लोग घर पे करके आए थे बधाई हो, वेरी गुड. चेक करोगे आंसर? सस्पेंस टू कस्टमर, सस्पेंस टू कस्टमर, ये दिख गया क्या? फोर्थ. चलो रसगुल्ले बच्चों, अगला कौन सा है? अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर 7,000 फोर इयर्स अगो एंड डेप्रिशिएटेड टू 1200 हैड नॉट बीन सोल्ड फॉर 1500 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बट नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास थ्रू द बुक्स. ये बेटा ये पागल है क्या? हैड नॉट बीन नहीं, हैड बीन सोल्ड करो इसको. होपलेस. कहानी काफी लंबी है, सुन लेंगे क्या? हाँ बता रहा हूँ कहानी एकदम लंबी है बट इजी है. ओरिजिनली फर्नीचर कितने में बाई गया? फर्नीचर नहीं व्हीकल, 7,000. इधर करेगा आकर ऐसा ऐसा. एक से एक नग है साले. फर्नीचर 7,000 का है क्या? हाँ. बेटा आज बुक्स में 7,000 का है कि 1200 का है? बसी गए थे गाँव पर फिर ऐसे थाम भाई से नहीं. देखो क्या हुआ है, मैंने अभी तक डेप्रिसिएशन पढ़ाया नहीं है बट जो मैं अभी बोल रहा हूं तुमको मानना पड़ेगा. तुमने फर्नीचर बाय किया 7,000 का बट आज वो बुक्स में 7,000 नहीं है, उसको धीरे धीरे आपने कम कर कर कितने तक लेके आ गए? 1200 एंड डेप्रिशिएटेड टू 1200. डेप्रिशिएटेड बाय नहीं टू, तो मतलब अभी उसकी बुक्स में वैल्यू कितनी है? 1200. और बेटा जी वो कितने में बेचा आपने? 1500. तो मैं तुम्हें करेक्ट एंट्री बताता हूं. ये 1200 की चीज 1500 में बेचा तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. तो देखो कैश 1500 आई. सुनो तो सरी नको ना. टू व्हीकल 1200, टू प्रॉफिट 300. आता हळूच वाचा पुढे काय लिहिलं, काय झालंय म्हणून काय सांगतायत ते? ये बिगिनिंग ऑफ द इयर में बेच दिया, इसकी कहीं एंट्री नहीं हुई सिवाय बैंक के. मतलब एंट्री सिर्फ किधर हो गई? ये कैश की जगह पे क्या लिख दूं? बैंक. तो बेटा बैंक में एंट्री हो गई कितनी? 1500. क्रेडिट गया क्या? नो क्रेडिट. रेक्टिफिकेशन क्या मारता है? सस्पेंस टू व्हीकल टू प्रॉफिट हाउ मच? 1200 and 300. या कर दे भाई, घर पर ही करके आए. हाँ अभी मैंने अभी पेन रखा. सब एक से एक रजनीकांत आके बैठे हैं. कुछ चीजें बेटा पर इतनी फास्ट नहीं करते. ये जाके देख रहे संतोष, मेरे को भरोसा नहीं आ रहा ये बच्चा लिखा है कि देख जाके ना लाइक. हाँ यही इंग्लिश समझते क्या थोड़े से संतोष तुझे? ये तीन एंट्री लिखने की थी उसको. हाँ ये भी लिख दिया ठीक है भाई.
suspense 1500 to vehicle 1200 and to profit 300. Do you all appreciate? Yes. आप एंट्री देखना चाहेंगे ये? ये देखो. अरे किधर गया? Suspense to vehicle and profit on sale of vehicle. दिख रहा है क्या ये? Yes sir. Very good sir. हाँ जा भाई. ये तो हो गया fifth, sixth. An accrual of 560 for telephone charges had been completely omitted. ये accrual का meaning बताता हूँ. ये outstanding telephone expenses है. है ना? ये रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं रिकॉर्ड हुआ है? नहीं. मैंने इसकी एंट्री तो सिखाई है आपको. बताओ क्या है? टेलीफोन एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस. यही रेक्टिफिकेशन होगी. अरे यही तो सिखाई. उन्होंने बोला कंप्लीटली ओमिटेड, तो इसकी एंट्री क्या आपको आनी चाहिए? क्या एंट्री है? टेलीफोन एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस. यस गुंडप्पा, ये देख, यही एंट्री है. टेलीफोन चार्जेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 560. डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस. हैप्पी? आगे क्या है? बैड डेट 1560 हैड नॉट बीन रिटन ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन मेंटेन्ड एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस एज 23390 विद क्रेडिट प्रोविजन ऑफ बैड डेट एट 2320. इसको पेंडिंग करिए और लिखिए. यह मैं फाइनल अकाउंट में ही सिखा पाऊंगा. यह गलत जगह पे है. यह क्वेश्चन गलत जगह पे है. यह कहां पर करेंगे हम? फाइनल अकाउंट. कोई एक बच्चा याद रखकर मुझे फाइनल अकाउंट में पूछ लेगा क्या? फाइनल अकाउंट में करेंगे. थैंक यू. तू याद रख लेगा? वेरी गुड. टूल्स बॉट, टूल्स बॉट फॉर 1200 हैड बीन इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेसेस. करेक्ट एंट्री बोलो. टूल्स टू व्हाट? कैश. रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? परचेस टू कैश. रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या? टूल्स टू परचेसेस. ये देखो, लूज टूल्स टू परचेसेस. अरे दिख रहा है क्या? टूल्स टू परचेसेस 1200. हो गया? ऐसे ऐसे टाइम पास किया. टूल्स टू परचेस. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कैन वी गो अहेड? द प्रोप्राइटर हैड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ रुपीज 1960. नो एंट्री हैड बीन मेड. ड्रॉइंग्स टू परचेस ऑब्लिक ट्रेडिंग अकाउंट. डू यू ऑल एग्री? सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस? लव यू ऑल. ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस. सो 1960. सो द एंट्री इज वॉट? ये रही ड्रॉइंग्स टू परचेस या ट्रेडिंग अकाउंट. से यस. यस. ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा? बेटा अभी बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया. ये क्वेश्चन इतने सारे क्यों बढ़ गए बताऊँ क्या तुम्हें? क्यों? मैंने क्या किया, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन ले लिए. बेटा 14, 15 और 16 में मैं तभी हाथ डालूंगा जब आपको क्वेरी है कोई, क्योंकि हर बार अभी वही रिपीटेशन हो रहा है और सेम टाइप के ही क्वेश्चन है. हाँ, 14 में थर्ड वन. बेटा आज का समय इन बच्चों को देंगे? ये करके आने के बाद में कल देखेंगे. आज का समय देने को ना. कल मैं क्या करूंगा? 14, 15, 16 सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेरी देखूंगा जो तुम्हारी क्वेरी होगी. अच्छा, ये ऑप्शन मेरे पास है कि मैं सॉल्व नहीं करूंगा? तुम्हारे पास है क्या? नहीं. जो कल नहीं करके आएगा क्या है? पनिशमेंट मिलेगा, बराबर मिलेगा. और दूसरी बात, अगर घर पर रह गए तुम तो अगला टॉपिक मिस होगा. चॉइस इज योर्स. ठीक है, बाकी भरोसा मानो, मैंने आज तक किसी का बाल बाका नहीं किया, तो तुम्हारा तो कुछ कर ही नहीं सकते. तुम तो मुझसे हट्टे कट्टे हो, है कि नहीं? तुम्हें कुछ कर नहीं सकता, बट हाँ, पनिशमेंट जरूर मिलेगा और बराबर मिलेगा. प्यार से भाई बोलो. रेक्टिफिकेशन रिवाइज कर कर खत्म हो जाना चाहिए. ठीक है? हाँ हाँ, पहले बाय बोल, पहले अभी बाय बोल. बाय.